तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ आप कैसे सीएस रैंक में हीरोइक लगा सकते हो और वो भी बिल्कुल मैच हारे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सीएस रैंक में मैंने जब से मैंने रैंक को समझना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है तब से मैंने चारों सीएन में हीरोइक लगाया है लगातार। आपको बता दूँ ये मेरी सेकेंड आईडी है, वरना पहली वाली आईडी में तो मैंने बहुत ज़्यादा सीएन में हीरोइक लगाया था। और यहाँ पर देखिए अब तो सीएस रैंक में ग्रैंड मास्टर तक आ चुका है, तो आप समझ सकते हो कि सीएस रैंक में बहुत ज़्यादा फ्यूचर होने वाला है। अगर आप सीएस रैंक पुश करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हो तो आपको सीएस रैंक ज़रूर पुश करनी चाहिए। आपने यूट्यूबर्स को भी देखा होगा कि वो सीएस रैंक ज़्यादा पुश करते हैं इस वक्त। यहाँ पर देखिए सीएस रैंक को देखिए, मैं रैंक गेम ज़्यादा नहीं खेलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सीएस रैंक गेम खेलता हूँ। यहाँ पर देखिए ये टी शर्ट्स और गन स्किन जो मिल रही है ना, जैसे ही गन मिल रही है उनका कलेक्शन आगे चल के बहुत ज़्यादा रेयर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी 5 ऐसी टिप्स हैं जिनका प्रयोग करके आप सीएस रैंक में हीरो पहुँच सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं गाइस, आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा वरना आप हीरोइक नहीं लगा पाओगे रैंक में। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है, तो गाइस आपको मूवमेंट करनी है। सीएस रैंक में सब कुछ मूवमेंट का गेम होता है, और आपको मूवमेंट करने के लिए ज़्यादा भारी कपड़े नहीं पहनने हैं, हल्के कपड़े पहनने हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, आपको ऐसे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। ये भालू जैसा बंडल बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा है, इसलिए आपको ऐसे बंडल बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। आपको पहनने हैं ऐसे बंडल आप पर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पहन सकते हो, एक ही बंडल पहन सकते हो। जैसे कि ये बंडल बिल्कुल ही फ्री में मिला था, ऐसे बंडल को आप पूरा पहन सकते हो। मेरे में अभी डाउनलोड नहीं है पर आप पहन सकते हो इसको पूरा। तो चलिए अभी के लिए मैं इसी को पहन लेता हूँ। तो गाइस सेकंड स्टेप है कि आपको कैरेक्टर कौन सा यूज करना है। तो यहाँ पर मैं आपको कैरेक्टर बता दूँ, यहाँ पर आपके पास स्काइलर है तो स्काइलर का प्रयोग कर सकते हो। अगर आपके पास स्काइलर नहीं है, वैसे तो फ्री में मिला था, अगर आपके पास स्काइलर नहीं है तो आप प्रयोग कर सकते हो के कैरेक्टर, या फिर बूकॉन्ग कैरेक्टर का भी प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर बूकॉन्ग कैरेक्टर तो सबको पहले ही बहुत ज़्यादा बार फ्री में मिल चुका है। और यहाँ पर देखिए आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, यहाँ पर गाइस नेक्स्ट स्टेप है कि आपको कैरेक्टर स्किल का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको रखना है केली, और सेकंड पे मैक्सिम तो ज़रूरी रखना है, और थर्ड पर आपको जो कैरेक्टर ज़्यादा पावरफुल लगे वो वाला कैरेक्टर आप रख सकते हो। यहाँ पर देखिए गाइस मैंने ये वाला कैरेक्टर रखा है, इससे जो है हेडशॉट देने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, ये रिकॉइल को कम कर देता है। अगर आपके पास ये वाला कैरेक्टर नहीं है तो आप मोको कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस अब आ जाते हैं मेन स्टेप पर। तो गाइस आपको नेक्स्ट स्टेप है कि आपको टीम में ही खेलना है, यहाँ पर आपकी खुद की टीम होनी चाहिए, आपके खुद के फ्रेंड्स। जैसे कि मैं यहाँ से बुला सकता हूँ किसी को ही, पर मैं अभी नहीं बुला रहा हूँ क्योंकि मुझे अब ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको टीम में इसलिए खेलना है क्योंकि अगर आप वर्ल्ड से बंदे आते हैं ना, जो रैंडम बंदे, उनके साथ आपका कॉम्बिनेशन ठीक से नहीं बन पाता है और आप मैच हार जाते हो, तो यही गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको हमेशा टीम में ही खेलना है। यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बैकपैक हाइड। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो ये बैकपैक वाला ऑप्शन है, यहाँ पर अगर मैं उसको इनेबल कर देता हूँ तो मुझे ये बैकपैक ही दिखाई देगा, सामने वाला कोई भी बंदा दिखाई नहीं देगा इसकी वजह से। तो आपको ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको बैकपैक हाइड करके ही रखना है। अगर आप इसको हाइड नहीं करोगे तो सामने वाला बंदा कब आके आपको मार के चला गया आपको पता तक नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैं हाइड कर देता हूँ इसको। और गाइस नेक्स्ट टिप है आपको पेट कौन सा लेना है। तो यहाँ पर पेट सबसे ज़्यादा जो है आपको बैगर ही लेना है, अगर आपके पास बैगर हो तो ले सकते हो, पर यहाँ पर आपको लेना है, यहाँ पर मेरे पास तो ये ड्रैगी पेट नहीं है, पर अगर आपके पास ड्रैगी पेट है तो गाइस पेट कॉम्बिनेशन में आपको ड्रैगी पेट ही लगाना है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्योंकि इसकी एबिलिटी देखिए गाइस,
इसकी एबिलिटी है, अगर आपके मैक्स लेवल पर बताता हूँ, अगर मैक्स लेवल पर अगर आपके 20 मीटर की रेंज में कोई भी इनेमी मेडिकेट लगाएगा तो आपको पता चल जाएगा और वो मेडिकेट कम मारेगा, तब उसकी एचपी कम होगी। तो ऐसे में आप एनिमी को एक साथ आसानी से खत्म कर सकते हो और आपके टीममेट को भी पता चल जाता है। तो गाइस होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये जो मेन टिप्स थी जिनकी गलतियाँ करते हैं, बाकी तो गेम प्ले पर डिपेंड करता है, पर ये जो मेन स्टेप्स थे वो मैंने आपको बता दिए। मिलते हैं एक और टिप्स की नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।